हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं आज टिप्स दे रहा हूँ आपको हाउ टू सॉल्व फिजिक्स पेपर इन एडवांस्ड। और ये कॉन्सेप्ट या जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, आप रैदर हर सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। मैं स्पेशली फिजिक्स के लिए बता रहा हूँ और एक दो क्वेश्चंस मैं लूँगा टू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस इजिली। देखिए, जो भी बच्चे 120 मार्क्स या 140 मार्क्स या 150 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, वो अगर चाहें तो ये 15 डेज़ में वर्क करके इजीली जो है स्ट्रैटेजी प्रॉपर यूज़ करके क्वालिफाई कर सकते हैं एग्ज़ाम को, एडवांस्ड एग्जामिनेशन को। ओके, तो जहां हमें मेंस में मैंने पहले भी बताया है आपको कि वहाँ स्पीड, कॉन्सेप्ट, फार्मूला, टाइम मैनेजमेंट एक फैक्टर होता है, लेकिन यहाँ पे आईक्यू हमारा जो है वर्क करता है। कॉन्सेप्चुअली अगर आप स्ट्रांग हैं तो क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हैं, बट फिजिक्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू विजुलाइज द कंडीशन। जो कंडीशंस गिवन है, जो स्टेटमेंट, व्हाट एवर द स्टेटमेंट वी हैव गिवन, आप उसको जो है विजुलाइज करके एक जगह जो है आप कॉन्साइज करके नोट कर लो। ओके, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है अकॉर्डिंगली करना है। जैसे पहले मैंने बताया था, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए 40% क्वेश्चन ईजी होते हैं, जो मॉडरेट से थोड़ा नीचे जहाँ कैलकुलेशन कम है, कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। मिसकॉन्सेप्शंस को काफ़ी ज़्यादा ये किया जाता है, फोकस किया जाता है एडवांस्ड में। मिसकॉन्सेप्शन से भी जो है आंसर मैच करते हैं और कॉन्सेप्ट से जो है आपका प्रॉपर आंसर आता है। तो आपको कॉन्सेप्ट को पूरे तरीके से मीन्स प्रॉपर वे में यूज़ करना है, कंडीशंस को विजुलाइज करके ड्रॉ करना है, फिर आगे आपको मूव करना है। तो मैं एक दो क्वेश्चन लूँगा जो फर्स्ट टाइम, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप क्वेश्चन देखेंगे जनरली फर्स्ट टाइम ही क्वेश्चन बच्चे देखते हैं, तो उनका कन्फ्यूज़न होता है इस तरीके का क्वेश्चन हमने किया नहीं है। लेकिन सफिशियंट प्रैक्टिस किया हो तो जो है आप अकॉर्डिंगली जो है क्वेश्चन पर वर्क करते हैं। ओके, तो मैं बच्चों को समझाता भी हूँ कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हिट करना है, और इजीली कई बच्चे ऐसे हैं जो एडवांस का पेपर ही रेदर बेटर वे में करते हैं, उनको मज़ा आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, क्योंकि वो अकॉर्डिंगली जो हमने स्ट्रैटेजी दिया हुआ है अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। तो 40% क्वेश्चन आपको इनिशियली जो है सेलेक्ट कर लेना है, विच यू कैन सॉल्व इन द टाइम। अगर पूरे टाइम में भी 40% होता है तो यू विल बी गेटिंग सफिशियंट मार्क और आप इजिली क्वालिफाई कर जाओगे। तो आपको यहाँ पे ये नहीं दिखाना है कि जो है हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और डिफ़िकल्ट पार्ट को नहीं लेना है इनिशियली। जो डिफ़िकल्ट का मतलब है जो काफ़ी मल्टी कॉन्सेप्चुअल हो, टाइम टेकिंग हो, उसको आप बाद के लिए छोड़िए, टाइम बचे तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो 40% ईजी, 40% मॉडरेट एंड 20% डिफिकल्ट, पूरा इंडिया के लिए डिफिकल्ट होगा। ओके, तो आप अकॉर्डिंगली जो है क्वेश्चंस पे वर्क करेंगे, आप वेरीफाई कर लेंगे इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट EMD, और अकॉर्डिंगली आगे आपको ट्राई करना है। लाइक हमने एक मॉडरेट क्वेश्चन लिया, मॉडरेट मींस जो कॉन्सेप्चुअल हो बट ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं हो, डिफिकल्ट जो मल्टी कॉन्सेप्चुअल हो और थोड़ा टाइम टेकिंग हो। ठीक है, तो जो बच्चे 80% सॉल्व करेंगे उनका कॉन्फिडेंस हाई होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ 40% क्वेश्चन अगर सही कर लिया तो यू विल गेटिंग मोर कॉन्फिडेंस। आपको ये पता है कि आई एम गोइंग टू बी सेलेक्टेड हियर। ओके, अब जब आपको ये पता है कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। तो रिमेनिंग 40% जो है आपका, नेक्स्ट 40%, उससे कई क्वेश्चन जो है आप हिट कर सकते हो अगर आपके पास टाइम बचा है। और अगर वो 40% भी कर लिया तो जो है आगे का जो क्वेश्चन है वो रैंक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। मीन्स लास्ट के जो 20-30% क्वेश्चन है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर सब सही करने के बाद, तो वो जो है बच्चे रैंकर्स होते हैं। तो अपने रैंक को आप इजीली यहां इंप्रूव कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, वी हैव मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ले रहे हैं, एक स्ट्रिंग है, इट इज मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ओके, एंड इससे एक मासलेस रॉड कनेक्टेड है, एंड रॉड के एंड पे वी हैव लाइक चार्जेस है, क्यू एंड क्यू मासेस भी इक्वल है। ओके, लेंथ ऑफ द रॉड इज गिवन एल। ओके, अब इसको हमने एक सिलिंड्रिकल रीजन के अंदर रखा, द सिस्टम हैज बीन केप्ट विद इन अ सिलिंड्रिकल रीजन। इसको एक सिलिंड्रिकल रीजन के अंदर हम रखते हैं लाइक दिस। ओके, ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम मे बी आउटसाइड, ये जो चार्जेस है आउटसाइड द सिलेंडर भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने इनसाइड लिया है। ओके, लाइक दिस, एंड विद इन दिस सिलिंड्रिकल रीजन वी हैव
अ मैग्नेटिक फील्ड बी इट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर रेडियस ऑफ द सिलेंडर हैज बीन गिवन व्हाट आर ये सिलेंडर का रेडियस आर दिया हुआ है ओके तो ये कंडीशन हमारा गिवन है अब क्वेश्चन ये है कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ ऑफ देन फाइंड टॉर्क हो सकता है एंगुलर मोमेंटम हो सकता है एंगुलर एक्सलेशन हो सकता है एंगुलर स्पीड हो सकता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर गिवन टाइम हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो यहां मैंने एक बेसिक पार्ट लिया फाइंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द चार्ज सिस्टम ये चार्ज सिस्टम क्या टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है दैट वी हैव टू गेट तो फर्स्ट टाइम जो है मान लीजिए कि किसी बच्चे ने फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देखा तो फर्स्ट टाइम देखने से उसका कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये पता है कि टॉर्क इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ डायपोल इट इज नॉट अ डायपोल क्योंकि दोनों चार्ज क्या है इक्वल है तो कन्फ्यूजन हो गया फिर दूसरा क्वेश्चन ये आया कि चार्ज पार्टिकल अगर मूविंग हो तभी मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है अदरवाइज ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ही नहीं ठीक है तो फिर वो कन्फ्यूज कर गया कि तो जो है मूविंग चार्ज है नहीं इट इज़ अ स्टैटिक सिस्टम तो मैग्नेटिक फील्ड में जो है ये ना कोई चार्जेज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो हाउ विल वी कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट टॉर्क ये आया तो एक चीज हमारा हिट हुआ यहाँ गिवन है व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ तो मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ करने से यहाँ फर्स्ट कॉन्सेप्ट को पहले हम इस क्वेश्चन को एनालाइज विजुअलाइज करने के बाद हम जो है कॉन्सेप्ट जो यूज कर सकते हैं इस पार्ट पे आते हैं सी वन फर्स्ट पार्ट कि मैग्नेटिक फील्ड इज टाइम वेरिएबल बेस टाइम वेरिएबल दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ टाइम अब आपको ये पता है कि फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंगली टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड अब एक चीज कंफर्म हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिएबल है स्विच ऑफ हो या स्विच ऑन हो ये दोनों ही कंडीशन में तो अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिएबल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस्ड तो सेकेंड पार्ट हमारा ये आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ओके विच हैज नॉन कंजर्वेटिव नेचर इस पार्ट पे बेस्ड एक बार लाइन ऑफ फोर्स में कॉमन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इसी पार्ट पे आया था टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है इट इज बेस्ड ऑन द टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव नेचर यहाँ पे कौन सा फार्मूला हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ फार्मूला इज ई डॉट डी एल is equal to minus d phi m by dt. This formula is used to find the value of what? The electric field. Okay? Time variable magnetic field है तो electric field generate करेगा. अब ये confirm हो गया कि electric field में ये system हमारा आ गया. जब electric field में system आएगा तो charge will be experiencing force. क्योंकि static charge था magnetic field में तो कोई force gain नहीं करेगा. लेकिन ये जो time variable magnetic field है इससे हमारा electric field generate हो गया और electric field से जो है charges force gain करेंगे. अब ये सोचना है कि ये torque कैसे experience करेंगे. तो observer is, if observer is along the axis, ऊपर या नीचे अगर observer हो, तो इस observer के लिए this section is what? Circular. तो फिर हम आगे जो है विजुलाइज करते हैं तो वो अगर आपने ड्रॉ कर लिया तो इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ओके नाउ सी दिस वन इज द सर्कुलर सेक्शन हियर वी हैव मैग्नेटिक फील्ड रेडियस ऑफ दिस सेक्शन इज आर मैग्नेटिक फील्ड इज अलॉन्ग द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ टाइम ओके चार्जेस हमारे यहाँ हैं इज मास एम चार्ज क्यू मास एम चार्ज क्यू तो दिस लाइन ऑफ फोर्स इज व्हाट सर्कुलर नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है लाइन्स ऑफ फोर्स है मीन्स इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का जब आप प्रॉपर्टीज करते हो तो यहाँ पे जो आपने किया हुआ है कि लाइन्स ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्लोज लूप नहीं होते हैं
लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप होते हैं जब वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, और कैसे जेनेट होते हैं, जब टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड जेनेट हुआ हो। तो यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमने ड्रॉ किया। तो जैसे लेंजेज लॉ से हम इंड्यूस करेंट का डायरेक्शन फाइंड करते हैं, अकॉर्डिंगली यहाँ भी वर्क करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इनसाइड है, तो सी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, क्योंकि स्विच ऑफ किया, मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग। तो हम मैग्नेट, जैसे नॉर्थ पोल है सामने, नॉर्थ पोल से लाइन ऑफ फोर्स इस तरीके से जा रहा है, तो वी आर मूविंग द नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम द लूप। तो यहाँ पे पोलरिटी कौन सा जेनरेट हो गया, साउथ। तो साउथ का अकॉर्डिंगली हमारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन हो गया, एंड टेंजेंट एट लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि इनसाइड है, अगर यही आउटसाइड होता सिस्टम तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इसका कैलकुलेशन जो है आपने किया हुआ है। ओके, अब देखें, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द अपोजिट पॉइंट्स ऑफ अ लाइन। ओके, तो अगर अपोजिट पॉइंट्स पे यहाँ पे फोर्स हमारा हो गया, दैट इज क्यू ई, हियर ऑल्सो फोर्स इज व्हाट, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो टॉर्क का वैल्यू विल बी व्हाट, क्यू ई इन टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, फोर्स कपल जेनेट हुआ टॉर्क आके, इसके आगे आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को कैच करना है और फिर आगे वर्क करना है। देन सी, एक और क्वेश्चन पे हम वर्क करते हैं, ठीक है। ये जो पहले क्वेश्चन करवाए मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाला पार्ट तो देखिए, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आफ्टर गेटिंग द कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है, किस तरीके से कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन जो है फर्स्ट टाइम आप देखोगे, कॉन्सेप्ट आपको सबको पता है, आप विजुलाइज करो, केसेस ड्रॉ करो और फिर वहाँ से कैच करो कि किस तरीके से हमें कॉन्सेप्ट्स यूज़ करना है एंड हाउ टू कोरिलेट द कॉन्सेप्ट्स। ओके, एक और क्वेश्चन एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। इट इज अ रॉड, द रॉड लेंथ इज नॉट डिफाइंड एंड द लोअर एंड ऑफ द रॉड इज मूविंग विद वेलासिटी वी एट एनी टाइम टी, इंस्टेंटेनियस वेलासिटी इस एंड का गिवेन है, सपोज दिस एंड इज बी एंड दिस एंड इज ए। तो अगर ये मूव कर रहा है तो ये वी बी इज वी गिवेन, ये भी मूव कर रहा होगा वी ए। जिस इंस्टेंट पे दिस एंगल इज 45 डिग्री, तो वी हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड, काइनेटिक एनर्जी, इस रॉड का काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो अगर इस रॉड का आप मूवमेंट देखें, तो दिस रॉड हैज़ बोथ लीनियर एंड द रोटेशनल मोशन, मीन्स जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास हैज़ लीनियर मोशन, और साथ में ये रॉड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ओके, इसका कुछ टाइम के बाद अगर आप कंडीशन देखें तो इट इज़ लाइक दिस। ओके, तो देखें लीनियर मोशन भी है, रोटेशनल मोशन भी है। एक तो पार्ट आ गया हमारा कॉन्सेप्ट वन, द रॉड हैज़ बोथ लीनियर एंड द रोटेशनल मोशन, एक पार्ट आ गया हमारा, ठीक है। अगर लीनियर और रोटेशनल को आप सेपरेटली लेते हो तो इसका सॉल्यूशन लेंथी होने जा रहा है। तो आपने एक कॉन्सेप्ट रोटेशनल में किया है, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, मींस जिस इंस्टेंट पे इस एंड का वेलोसिटी वी है, इसी इंस्टेंट पे तो काइनेटिक एनर्जी पूछा है इसका। तो इफ़ यू यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये आपको पता है कि अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन द रिजिड बॉडी हैज़ व्हाट, प्योर रोटेशन। ओके, तो कॉन्सेप्ट टू, पहला तो है ए रॉड हैज़ बोथ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन। कॉन्सेप्ट टू अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, द रॉड हैज प्योर रोटेशन। तो अगर रॉड हैज़ प्योर रोटेशन, तो थर्ड पार्ट पे हम आ गए कोरिलेट करके कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड विल बी व्हाट, हाफ आई अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू व्हाट, ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा हमें कैलकुलेट करना है, तो देखिए दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस वेलोसिटी इज वी, ये नीचे आ रहा है, इट इज वी ए, वी बी इज व्हाट वी है वी। कैसे हम ड्रॉ करते हैं, ये जो वेलोसिटीज है इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। ओके, ये मैंने कॉन्सेप्ट्स में आपको बताया हुआ है,
तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इट विल बी गिविंग यू द वैल्यू ऑफ व्हाट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. मैं सपोज इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर स्पीड इज ओमेगा, सिंस दिस वन इज 45 डिग्री, तो ये दोनों लेंथ्स इक्वल है, दोनों साइड्स इक्वल, इट इज एल एंड दिस लेंथ इज ऑल्सो सपोज एल, तो वट विल बी द लेंथ ऑफ द रॉड, इट इज इक्वल टू √12. ऑब्वियसली मास ऑफ द रॉड विल बी गिवन. ओके, तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का पोजिशन आपने कैलकुलेट कर लिया, तो ओमेगा इज इक्वल टू वट वी हैव वी बाई आर, तो इट इज वी ए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो वी ए बाई एल, दैट इज ऑल्सो वी बी बाई दिस लेंथ, ये वाला लेंथ क्या है, एल है, वी बाई एल, तो वी हैव ओमेगा इज इक्वल टू वी बी, वी हैव गिवन वी वी डिवाइडेड बाई एल, ओमेगा का वैल्यू आ गया हमारा. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. दिस वन इज द सेंटर ऑफ रॉड, अगर सेंटर के अबाउट रोटेट करता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड इज एम एल स्क्वायर बाई 12. ओके, एंड लेकिन इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, तो लेंथ ऑफ दिस रॉड इज एल, तो ये लेंथ भी आपका इक्वल है, तो हाफ डी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज किया, एम डी स्क्वायर. ओके, इस पॉइंट के अबाउट अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो एम एल स्क्वायर बाई 12. अब न्यू एक्सिस ऑफ रोटेशन इज दिस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो पैरेलल एक्सिस है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज किया, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया, तो ये डी इज इक्वल टू व्हाट वी हैव, इट इज लेंथ ऑफ द रॉड डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओमेगा आया हुआ है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, इजिली आप सॉल्व कर लोगे, तो परेशान नहीं होना है, आप आराम से क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन रीड करने के बाद जो है कंडीशंस एनालाइज करना है, विजुलाइज कीजिए कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद जो भी आपका कॉन्सेप्ट्स आ रहा है आप प्रॉपरली यूज़ करो, कैसा भी क्वेश्चन हो, इंटीजर टाइप हो, मल्टी कॉन्सेप्चुअल हो, ओके, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हो, सारा का सारा सॉल्यूशन आपका पॉसिबल कंडीशन से आ जाएगा, और IIT एडवांस का पेपर ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए, और सिमिलर आप सारे पेपर्स को सॉल्व करोगे, और सबको बैलेंस सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आना चाहिए, अगर 40% भी मार्क्स आप स्कोर करते हो तो मान लीजिए कि 360 मार्क्स का पेपर हो रहा है एंड यू आर गेटिंग 40%, तो 40% इज 144 मार्क्स, मीन्स 3 आवर्स अगर 144 मार्क्स में भी अगर आना है तब भी आप क्वालिफाई कर रहे हो. जो अच्छे बच्चे हैं ठीक है, वो ऑब्वियसली 70% क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इन द टाइम लिमिट, डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑल्सो, तो आप आराम से, तो मैंने जो ये स्ट्रेटेजी बताया है टू क्वालिफाई द एडवांस्ड एग्जामिनेशन. ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.